हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, आप लोगों का छोटा भाई रवि गुप्ता और जबरा ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। अच्छा, मंडी में हो रहा है जुआ। अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ के जो इतने बढ़िया बढ़िया दोस्त हैं मेरे और जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो घर वालों को बताया कि ये काम ही कर रहे हैं सर, अब जॉब भी कर रहे हैं। तो ये काम क्या कर रहे हैं देखो, ये पत्ते चल रहे हैं देखो। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पर सब, ये देखिए गाइस, बड़े बड़े अच्छे घर के, घर में गाड़ियां खड़ी है, स्कॉर्पियो फॉर्चूनर। घर वालों को पता है बेटा काम पे गया है, लेकिन देखो बेटा क्या कर रहा है। ये देखो इसके पापा दूध बेचते हैं, देखिए इसकी हालत देखिए गाइस, यहाँ जितने हैं चले गए दो शर्मा का चाय पत्ती वाले हैं, देख भी रहे गाइस। तो ये वीडियो गाइस अगर देखे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और घंटा जरूर बजाएं, क्योंकि लोकल के ही है सभी, ये सारे भाई लोकल के ही हैं। तो लाइन पे और कोई खेलता है क्या? नंबर वन लाइन वाला, लाइन पे नंबर वन वाले जयसवाल जी है, अश्वनी है, अश्वनी वो तो ना वो जुआ सही खेलता, अश्वनी वो एक तरफ खेलता, लाइन नहीं खेलता, सही भी खेल लेते। ब्रह्मा विरम्बा विष्णु मैन बोले तो क्या नाम उसका, सागर मोबाइल की जिंदा दुकान है, हराम भी सीख गया और बहुत तगड़ा भार फेंक के सीधी मांगता है, पत्ता उसका ही आता है। और ये गौरव भाई भी कभी कभी खेल लेते हैं, लेकिन नहीं बेचारा ही नहीं, ये जॉब करता है, ये मेरा भाई है, भाई है मेरा भाई कुछ भी समझो। और ये हमारे रवि भाई है, ये हमारा और ये भी हमारा बड़ा भाई है और नामा राशि है, इसका काम दूध का है लेकिन पानी बहुत मिलाता है, ये विश्वास ध्यान दे। ठीक है गाइस, रास्ते में हम जा रहे थे, टेम्पो वाले को बहुत ही मारा है गाइस इन लोगों ने, ये देखिए यहाँ पर ये जितने भी है ना, ये पंकज भाई ने भी मारा है और इनने भी मारा है, टेम्पो वाले को इनने भी मारा है, बड़े दादा इनने भी मारा है, तो टेम्पो वाले कबूतर बना दिया मार मार के। देखिए गाइस कितने लोग हैं, ये सब ने मारा है, देखिए ये सब भाग के बेचारों को सूद दिया। आज नए क्लाइंट आए हैं हमारे, जो हमारे फैन हैं और जो मुझे अच्छा मानते हैं और मेरे मित्र भी हैं, और मेरी इनसे पहले नोकझोंक बहुत चलती थी, किसी बार लड़ाई झगड़े ना तो जो थोड़ा होता है दोस्ती यारी में, तेरी माँ की तेरी बहन की, लेकिन जो भी फिलहाल तो आज हमारे साथ है, बहुत गालियां बकी हैं यार हमने एक दूसरे को। अब जो है आज ब्लॉग से आज जबरा भाई का, तो हमने कहा चल देते हैं कहीं घूमना, ठंडा ही बहुत हो रहा था, हल्द्वानी में जो है सूरज देखने को नसीब नहीं हो रहा आज। तो गाइस सब्सक्राइब करो और जो है घंटा वाला बजाते रहो अपने। और ये दीपक भाई भी है, दीपक भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो गाइस कैसे हो आप सब लोग, जबरा भाई को ब्लॉग करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, काटो काटो, लाइक करो भाई। आप सब लोग कैसे हो? घबरा रहे हो, घबरा रहे हो। जबरा ब्लॉग्स करके क्या कहते हैं यूट्यूब पे चैनल है, यार दो सपोर्ट करो और टेक केयर, मिलते हैं आपको अगली। तो गाइस ये मुझसे इतना प्यार करते हैं बोलना ही भूल गए। विवेक आप कुछ कैसा लग रहा है? और सुबह सुबह का टाइम है और तो ब्रेकफास्ट भी करना है, तो हम पहुंचे बिरयानी की दुकान पे, और यहाँ खाएंगे बिरयानी, बिरयानी बिरयानी मिलती है यहाँ पर ना, बढ़िया करके जो है भैया की शक्ल दिखा दो और यहाँ पर कभी भी आओ ट्रांसपोर्ट। गाइस अगर लोकल के वो हमारे दोस्त हो तो यहाँ आइए जरूर, रामपुर नगर में उनकी बिरयानी खाइए, काफ़ी अच्छी बनाते हैं। ये देखिए तीन मटके, आपका क्या नाम है? सब्सक्राइब करते रहिए और अंडा बजाते रहिए, और अल्लाह का शुक्र बना रहा है इन पे, आमीन आमीन, खुश रहो। गाइस इनकी बिरयानी पक्का लाइक चुके हैं, तो जतिन जिंदा सियाज खा रहे हो तुम, जिंदा सियाज अच्छा लगता है, कटोरा खाली कर दिया दोबारा, अच्छा था। बिरयानी आने वाली है गाइस, अभी दिखाएंगे बिरयानी लाने वाले हैं भाई साहब, गरम 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 बिरयानी खाने वाले की मजा है, क्यों जतिन? बहुत ही मजा, बढ़िया बढ़िया। तुम्हारी मम्मी भी खाती है? हमारी भी खाती है ना, हमारी मम्मी तो फिलहाल वहाँ ऊपर है, आप भाई भाभी भैया के पास है, तो मैं तो अरे मैं अकेला हूँ गिलास में। गाइस आ चुकी है हमारे बीच गरम गरम चिकन वाली बिरयानी, बिरयानी जो है अभी ताजा ताजा, और यहाँ की चटनी भी बहुत बढ़िया है, पानी में पानी आ रहा है, वो पीस भी अच्छे गले हुए हैं पूरा, खाओ खाओ खाओ, ये मजा आ गया। हाय गाइस तो बिरयानी हमने लिए खा, बिरयानी हो गई खत्म, खाली हमने बढ़िया, और बिरयानी खा खा के उसके बाद पानी भी पीना जरूरी है, पानी भी पी लिया है। तो गाइस यहाँ पर ये दो भाई और मिले हैं अल्लाह के शुक्र से, ये बिरयानी खाएंगे, और बहुत धन्यवाद आपने हेलो करी, बिरयानी बहुत बढ़िया थी और ये और बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्ट था, और इतनी सारी हड्डी निकाल दी, लेकिन ये मुर्गा बोलिए जो पीछे से निकल जाए, ये मुर्गा बढ़िया है पेट में रहेगा, बढ़िया बना रहे यार, मैं तो खाई है यहाँ पे। तो हाँ, तो कैसा लगा बिरयानी खा के? बहुत बढ़िया, पहले की तरह अच्छा टेस्ट है, मजा आया खा के। हाँ दीपक भाई आपको कैसा लगा? ट्रांसपोर्ट नगर के पास में, बिल्कुल बिल्कुल गाइस बहुत अच्छा लगा बिरयानी, और लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी ये बात है, पांच लोगों ने खाई और भाई साहब ने पैसे नहीं लिए, कितना अच्छा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। हाय गाइस देखिए हेड़ाखान रोड पे ये कैसा हुआ है बम्बा बोर्ड, पूरा गिर गया, देखिए गाइस पहाड़ के ये दिखा रहे हैं आपको नजारे, देखिए रोड बहुत ही टफ है जाना,
जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे ना गाड़ी मोरी लेंगे हम, क्योंकि खतरा बहुत है। देखिए गाइस ऊपर से पेड़ कभी भी गिर सकता है, पूरी पहाड़ खिसक गया था ये, पूरा पहाड़ नीचे रोड पूरा ब्लॉक कर दिया। तो गाइस मुझे उतरना पड़ेगा और आपको दिखाना ही है, तो और रिक्स भी है, कभी भी कुछ हो सकता है। कितना भयानक है देखिए गाइस, ये पूरा ये सब नीचे बह गया है। ये देखिए गाइस वो हमारा शहर काठगाम दिख रहा होगा आपको, सब खत्म हो चुका है बिल्कुल। और ये हमारी गाड़ी देखिए ऊपर से आप देख सकते हैं, पूरा टूट फूट के सब लेवल हो गया। देखो पेड़ जो हमें सांसें देते हैं, जिससे हम जीते हैं, हवा लेते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। ओ हाय गाइस, आज हमारा प्लान था सुबह हेड़ा खान जाने का, यहाँ मंदिर है और जहाँ अंग्रेज लोग भी आते हैं, अंग्रेजों का ही मंदिर है वो, और अंग्रेजों का ही मंदिर है और काफी दूर से लोग आते हैं। तो वहाँ हम गए, देखा तो हमने रोड काफी भयंकर नीचे गिर चुका है, तो हमें लगी थोड़ी डर, तो हम गाड़ी हमने वापस घुमा ली। अब हम पहुंच गए हैं आपका अमृतपुर। तो गाइस अब यहाँ क्या होता, चाय वाय पीते हैं, कुछ देखते हैं, आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अमृतपुर, ये गांव है एक, यहाँ थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, चाय कॉफ़ी जो भी पियेंगे वो आपको दिखाएंगे गाइस। और ये पड़ता है आपका अमिया गाँव वाले रोड पर, आपको दिख रहा होगा। यहाँ हम गर्मियों में नहाने, गर्मियों में नहाने भी आते हैं गाइस हम, यहाँ बहुत मस्ती आती है, पानी ठंडा रहता है। देखिए गाइस, तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अमृतपुर और यहाँ हो रहा है बहुत ठंडा। गर्मियों में यहाँ पे एकदम टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, यहाँ पे सुनने मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ नहाने इंजॉय करने। तो अभी ठंडा है, अभी तो पूरा खाली पड़ा अमृतपुर, मगर लोकेशन बहुत प्यारी है गर्मियों के लिए यहाँ पे। बढ़िया लग रहा है, बस जा तो हम जाना, जहाँ जाना था वहाँ तो जा नहीं पाए, अमृतपुर आ गए यार। चाय कॉफी मैगी फिर मिलते हैं आगे। ये हमारी गाड़ी आपके प्यार से, विवेक हमारे साथ रहता है टाइम अपनी गाड़ी लेके, छोटी गाड़ी छोटे लोग, जिस दिन आपका प्यार मिलेगा यही गाड़ी होगी फॉर्चूनर और सब कुछ बढ़िया होगा, फिर आप भी हमारे साथ होगे तुम। तो हमने सुबह खाई थी बिरयानी और आज हम खा रहे हैं अपने शेखर धवन अंकल की बुटुआ चावल और सीरी। सीरी में होती है गाइस, सीरी खानी चाहिए, बकरे की होती है और इसमें होती है आंख कान जीभ खरोड़े होते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं अंकल। और आप देख लीजिए, एक हमारी इंडिया टीम में शेखर धवन और एक हमारे अमृतपुर में शेखर धवन, देखो स्माइल भी पास कर रहे हैं, नाइस। और ये देख सकते हैं आप सीरी बन रही है गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म सीरी देखिए गाइस, ट्राई करेंगे चाचा की, हमारे चाचा सीरी भैया की। गाइस बने रहिए ब्लॉग में, अभी खाते हैं सीरी, फिर बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो गाइस हमने खा ली सीरी और विवेक ने भी खा ली है, और ये खा रहा है सीरी का टेस्ट बहुत अच्छा था। और मैंने आँख खाई, मुँह में डाली, अंदर दबाया उसे, उसके बाद अब क्या महसूस हुआ मेरा दिल जानता है कि ऊपर वाला जानता होगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरी हवा निकल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थी, थोड़ी तो गर्म थी और थोड़ी टाइट भी थी, तो मैंने ताकत से लगाया खच करके, पूरा गर्म गर्म पानी मेरी जीभ पे, जीभ जल गई अंदर से। कोई बात नहीं, टेस्ट लेना है तो जीभ क्या देखना, मज़ा आ गया गाइस। तो गाइस मैं जा रहा था घर और रास्ते में हमारे मिलके बड़े भाई, ये हमारे सराफत भाई, इतनी प्यारी चाय बनाते कसम अल्लाह की, अगर एक बार पियोगे और बार बार आओगे, आओ सेवा का मौका दीजिए, ये हमारे बड़े भाई। चौथे लोकेशन है इंदिरा नगर फाटक के पास, हमारे बड़े भाई हैं,
ये ब्लॉग में इन्हें देखो तो प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो। यहाँ से अगर जाओ कहीं घूमने ऊपर को तो कुल्लड़ वाली चाय पी के चाय पी के जाओ, ये अल्लाह का शुक्र है बना रहेगा। चाय एक बार पियोगे और बार बार जिंदगी भर